हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं मिक्स वेज तवा सैंडविच बनाने वाली हूँ। ये सैंडविच छोटे से लेके बड़ों को हर किसी को पसंद आए वैसी सैंडविच है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड ले ली है। आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए। मुझे वाइट ब्रेड ही मिली इसलिए मैंने उसे लिया है। साथ ही में बारीक कटे हुए टमाटर है, बारीक कटा हुआ प्याज, टमेटो सॉस, मसाले में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला। मैंने यहाँ पर कुछ आलूओं को बॉईल करके उसे मैश करके रख लिया है। तो चलिए अभी हम सैंडविच के लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। अभी जो आलू को मैश किया है उसके ऊपर हमें बारीक कटे हुए प्याज डालने हैं। जो बारीक कट के हमने टमाटर रखे हैं अभी उसे डालना है। आप इसके साथ और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी पसंद है, और आप सब्जियां कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी हमें इसमें मसाले करने हैं, तो मसालों में हमें लाल मिर्च पाउडर डालनी है, टेस्ट के हिसाब से हमें नमक डालना है, और जो हमने गरम मसाला लिया है उसे डालना है। जब भी आप ऐसी सैंडविच बनाओ तभी आप इसमें बच्चों की हेल्प लीजिए, बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे और ये सैंडविच बहुत ही चाव से खाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमने आज सैंडविच बनाई है। और जब बच्चे खुद से कुछ काम करते हैं ना, तो बहुत ही एंजॉय करके वो रेसिपी खाते हैं। तो आप इसमें जो सब्जी चाहे वो उन्हें खिला सकते हो। तो चलिए अभी सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने जो ब्रेड ले ली थी उसके ऊपर हमें टमेटो सॉस लगा देना है। वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा तो सैंडविच और भी हेल्दी हो जाएगी। मेरे पास वाइट ब्रेड ही है इसीलिए मैं उसका ही इस्तेमाल अभी कर रही हूँ। ब्रेड की वो दोनों साइड, दोनों ब्रेड के ये ऊपर की जो साइड है उसके ऊपर हमें टमेटो सॉस लगा देना है। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसीलिए हरी चटनी नहीं लगाई है। आप चाहे तो हरी चटनी, सेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी पसंद है। अभी जो हमने स्टफिंग बनाया था वो स्टफिंग को हमें अच्छे से ब्रेड के ऊपर फैलाते हुए लगा देना है, ताकि जब भी हम सैंडविच की एक एक बाइट ले तो सारे स्टफिंग का हमें सारी सैंडविच में टेस्ट आए। अभी जो दूसरी वाली ब्रेड थी वो पहली वाली ब्रेड के ऊपर अच्छे से दबा दीजिए और हमारी सैंडविच तैयार है। इसी तरह से मैंने दो चार सैंडविचें और भी बना ली है। सैंडविच को सेकने के लिए आप तेल, घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अभी हम सैंडविच को सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। आपको इसकी जगह पे टोस्टर या जो ग्रिल पैन आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो तवा जैसे ही गरम होता है उसके ऊपर आप घी, तेल या बटर जिससे सेकना चाहते हो वो लगा दीजिए, और ब्रेड की एक साइड पर फिर से उसे लगा दीजिए, और ब्रेड को दोनों तरफ से धीमी आंच पे सुनहरा कलर का सेक लीजिए। तो चलिए अभी मैं इसे सेक लेती हूँ। और ये तवे में दो सैंडविच आती थी इसीलिए मैंने दो सैंडविच एक ही साथ सेक ली है। तो हमारी यम्मी वाली टेस्टी हेल्दी सैंडविच बनके तैयार है। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि बच्चे इसे बहुत ही आसानी से एंजॉय कर पाए, और साथ में उसे हमने टमेटो सॉस दिया है। आप इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो या ऐसे भी एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी सैंडविच लगती है और ये बहुत ही झटपट से बन भी जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।